यमुनानगर के जगाधरी में श्रीनगर कॉलोनी में देर रात बाइक सवार तीन अपराधियों ने शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति पर गोलियां चलाकर वे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिस घर पर अपराधियों ने गोलियां चलाई वो घर अवैध रूप से शराब बेचने का काम करने वाले ऋषि का है। बदमाशों ने देर रात ऋषि के घर पहुँच वहाँ पर दो राउंड फायर किए, वहीं गोली लगने से 12 वर्षीय बच्चा मामूली रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने ऋषि के पिता के बयान पर अपराधियों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। मेरे बेटा दारू का काम करता है, कल से हम स्कूल में पढ़ाए हैं, नौकरी ना मिलने के कारण यही काम में काम भी करा, मोबाइलों की दुकान खोली, वो भी फेल हो गई। मैं भी बीमार रखती हूँ, मेरा आदमी बीमार रखते हैं, तो ये दारू का काम करता है, ठेके पे से उठा के दारू बेचते हैं। और वो कल फील्ड में आए थे, ये पवन राठी है, ये सतीश राठी, वो हमारे पास आया एक दिन घर पे, कह रहा मुझे 1 लाख रुपये, मतलब तुम ना फिर मुझे अपना, जैसे तुम काम करते रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम्हारा माल भी नहीं पकड़ेंगे और तुम बोल दो हम महीना देते रहो। तब तो उन्होंने 30,000 रुपया मांगा था महीने का, तो हमने कहा हमारे पास 30,000 कहाँ, हम इतना हम कहाँ कमा पाते हैं इतना, ठेके वालों ने उनको निकाल दिया। फिर हमने कहा चलो, फिर वो उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे को एक दिन उठा के ले गए जगाधरी बस स्टैंड से, अपनी गाड़ी में बैठा के कहने लगे, कह रहे किसी कमरे में ले गए, 7-8 पिस्टलें उसके सिर पे रख दी और कहने लगे अपने घर से पैसे मत ले। इसका फ़ोन आया मेरे पास, मम्मी मुझे ना 20,000 रुपये बूढ़े जिंदगी भेज दो छोटे वाले बेटे के हाथ। फिर मैंने कहा बेटे मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैं कहाँ से भेजू, करे किसी से लेके भेज। तो फिर ये पता नहीं मतलब मेरे छोटे बेटे ने क्या करा, छोटे बेटे ने कहा मैं आ रहा, छोटे बेटे को कोई डाउट था कि भी उसके साथ क्या हुआ, अभी तो गया एकदम से और एकदम से पैसे मंगवा रहा। और फिर ये गया, इसने कहा मैं पुलिस लेके आता हूँ। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, कहने लगे, कह रहे हमें 4-5 दिन के बाद ना 1 लाख रुपया चाहिए। सामने आया ये ऋषि है, ऋषि नगर कॉलोनी में रहता है, कई सालों से पीछे शराब का काम कर रहा है, यहाँ पे लेकर शराब दारू बेचता है लोकल। तो ये तीस राठी और पवन राठी दो भाई हैं जो उनके संपर्क में था, जो इससे पैसे मांगते थे क्योंकि शराब बेचते हैं हमारे खर्चे पानी के, दोनों क्रिमिनल हैं दोनों भाई हैं। पवन राठी जो ऑलरेडी एक मर्डर के केस में सजा काट रहा है, उम्र कैद हो चुकी है इसको, छतरौली थाने का है केस वो, और उसमें वो पेरोल पे आया 45 दिन के, पेरोल के बाद वो गया। तो इसको अभी ये बता रहा है कि पता लगा है कि उसने इसको थ्रेट किया कि मेरे को पैसे दो, पैसे मांगे हैं, पैसे की मांग की है उससे, तो उसने नहीं दिया है, तो उसने आके इतर अभी उसने ही गोली चला दी। अभी तो इनके बहनों के आधार पर तो ये बता रहे हैं कि 3 लड़के आए थे मोटरसाइकिल पर, 2 घर के अंदर आ गया, तो उन्होंने फायर किया गोली। गोली अभी तो दो, अभी नाम तो कोई सामने नहीं आया किसने चलाई है, ये बता रहे हैं कि पवन था, पवन हो सकता है उसके आदमी में, क्योंकि उसका व्हाट्सएप पे उसके पास कॉलिंग आया दोबारा से कि मैंने तो मेरे को पैसे नहीं दे रहा उतर ये याद आ रहा। पहले भी ये बता रहा कि 1 महीना पहले भी मेरे को उसका स्पीस पवन राठी का भाई स्पीस राठी मेरे को ले गया था, बुला के पवन के पास मेरे को ले गया था, उसने कहा था कि मेरे को पैसे दे वरना फैक्ट्री को दे देंगे। तो जब इसने कोई ऐसी कंप्लेंट उसने कोई नहीं की पुलिस के सामने, नहीं पवन राठी भी और स्पीस राठी दोनों क्रिमिनल टाइप के लड़के हैं। और पवन मैंने बताया आपको ऑलरेडी 302 में सजा काट रहा है उम्र कैद की, और 45 दिन की पेरोल पर बाहर आया हुआ है और वो वापस नहीं गया। स्पीस भी ऑलरेडी कहीं कोई मुकदमे दर्ज है। और जो ये ऋषि है जो इलीगल काम करता है दारू, जिसके ऊपर ये घर पे फायर हुए हैं, ये भी इलीगल करता है, इसके ऊपर भी 5 मुकदमे सिटी थाने में जगह में यहाँ पर दर्ज है।